लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पंडितों को निकाल बाहर करो। मिस्टर अफसर, ये सारे प्रूफ तुम्हारे अगेंस्ट इंडिया ने हमें भेजा है कि तुम्हारा कंट्री कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है। लेकिन सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर को तोड़ने का ख्वाब हम 1947 से देख रहे हैं, और खुदा की कसम उस मुल्क ने बांग्लादेश बनाकर हमारे सीने में बदले की आग भर दी है। कल तक ये बात सिर्फ हमको पता था, मगर आज पूरा वर्ल्ड को मालूम हो गया है। हम पर प्रेशर आ रहा है कि तुम्हारा कंट्री को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए। अगर ऐसा हुआ मिस्टर अफजल, तो हम तुम्हारा कंट्री को हेल्प करना बंद कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो आप ही के भरोसे दुश्मनी मोल ली थी। अगर आपने ऐसा किया तो हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे, और आपका भी कश्मीर में फौजी अड्डा बनाने का प्लान अधूरा रह जाएगा। आई नो। आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरे पास एक और प्लान है। हिंदुस्तान का एक बहुत खतरनाक मुजरिम है जगराज, जो इस वक्त वहां से फरार है, लेकिन उसके जुर्म और गुनाहों की जड़ें हिंदुस्तान के हर शहर में फैली हुई हैं। वहां के कितने ही लीडरों की तकदीरें वो बनाता और बिगाड़ता है। वो हमारे लिए बहुत ही काम का आदमी साबित हो सकता है। लेकिन वो इस वक्त है कहां? He is Mr. जगराज। हेलो मिस्टर जगराज, हाउ डू यू डू? ये तुम क्या कर रहे हो? ये इंडिया का एक स्पाई है। तनख्वाह जरूर ये उनसे लेता है, लेकिन काम हमारे लिए करता है। गांधी के देश वाले इसे घास फूस खिलाते हैं, और इसे शौक पकड़े खाने का है, जो हम पूरा करते हैं, क्योंकि इसने हमारी जान बचाई थी। ओके मिस्टर चाकराज, ओके, हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं, बट अकेले। अब बोलो क्या चाहते हो? हम कश्मीर को इंडिया से जुदा करना चाहते हैं। ताकि तुम वहां हुकूमत कर सको और तुम वहां अपना फौजी अड्डा बना सको। उसी तरह मैं भी वहां अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता हूं, ताकि इंटरपोल मेरी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। ओके, हमें मंजूर है। दैट्स बेटर। बट आई वांट टू नो कि तुम इंडिया को कैसे डिवाइड करोगे? इंडिया, आज सारा हिंदुस्तान धर्म और मजहब के बारूद पर टिका है। बस एक छोटी सी चिंगारी लगाने की जरूरत है। लेकिन भाई, इस चिंगारी से पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने के बदले हमें क्या मिलेगा? सिर्फ कश्मीर में एक छोटा सा अड्डा होगा। इंडिया ने अंग्रेजों को क्या दिया था? बिजनेस करने के लिए एक छोटा सा अड्डा, और अंग्रेज इंडिया के मालिक बन बैठे। समझ गया भाई, कभी मत भूल डिवाइड एंड रूल। अड्डे पे बैठकर इधर हिंदू मुसलमान का दंगा कराएंगे, और उधर सिया सुनी का पंगा। इसीलिए मैं तुझे इंडिया भेज रहा हूँ गोगा। जितना बड़ा धंधा उतना बड़ा दंगा।
हमला। मैं कहता हूं रुक जाओ। जी भाई, हाँ जी बाबा, हट जाओ, हट जाओ। ये जिस्म अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि दो चार लाठियों के वार बर्दाश्त न कर सके। इसने अंग्रेजों की सैकड़ों लाठियां खाई हैं, मगर उन लाठियों में और इन लाठियों में एक फर्क जरूर है कि अंग्रेजों की लाठियां जिस्म पर पड़ा करती थी और तुम्हारी लाठियां सीधे दिल पर पड़ती है। पा दो एक दूसरे का खून, तोड़ा ले एक दूसरे के सर, और बता दो सारी दुनिया को कि मुल्क के दो टुकड़े होने के बावजूद हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। अरे हम लोग गुलाम रहने के आदि हैं, हमें आजादी रास्ते नहीं आती, मुल्क की एकता रास्ते नहीं आती। अरे अरे चलाओ लाठिया, रुक क्यों गए? चलाओ लाठिया। लेकिन बाबा, हिंदुओं ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, हमारे भी तो कई मंदिर तोड़े गए हैं बाबा। तुम कौन हो? हिंदू पुनर्जन्म को मानते हो ना? अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम पिछले जन्म में मुसलमान थे तो क्या आज अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए जो आज है वही सच है। और मियां, जिस मस्जिद के लिए तुम खून बहाने के लिए आए हो, कभी गए थे वहां? सालों से वहां कोई नमाज तक अदा करने के लिए नहीं गया, और उसी के लिए कत्लेआम, खून खराबा। अरे सच तो यह है कि ना तुम्हें मस्जिद से मोहब्बत है और ना तुम्हें मंदिर से प्यार। तुम लोग तो वो भटके हुए इंसान हो जिनका सहारा लेकर शैतानी दिमाग अपना खेल खेल रहा है। लेकिन हमारे लीडर तो उसे जिहाद कहते हैं। और हमारे लीडर इसे धर्म युद्ध कहते हैं। कहाँ है तुम्हारे जिहाद वाले लीडर और धर्म युद्ध वाले नेता? उन्हें बुलाकर पूछो किस मासूम ने किसी धर्म या मजहब का क्या बिगाड़ा था। इसकी मौत से ईश्वर खुश होगा या अल्लाह? अरे ऊपर वाले ने तो तुम्हें इंसान बनाया था जिससे दुनिया में इंसानियत रह सके, प्यार रह सके, मोहब्बत रह सके। लेकिन कुछ मौका परस्त नेताओं के बहकावे में आकर अरे तुम लोगों ने उसके अरमानों का ही खून कर डाला। नेता वो होता है जो प्यार की रोशनी फैलाता है, नफरत का अंधेरा नहीं। नेता वो होता है जो देश को बचाने के लिए खुद अपने सीने पर गोली खाता है। मगर आज के कुछ नेता गोली नहीं खाते, वो गोली, वो रिश्वत खाते हैं, दलाली खाते हैं, यहां तक कि जानवरों का चारा तक खा जाते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर तुम लोग एक दूसरे का गला काट रहे हो। धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है। इस देश की मिट्टी को शहीदों ने अपने खून से सींचा था, जो हिंदू भी थे और मुसलमान भी। क्या धर्म और मजहब के नाम पर तुम लोग उनकी दी हुई कुर्बानी को बांट सकते हो? बाबा, आपने शहर को बहुत बड़ी बर्बादी से बचा लिया है। महादेव, अगर देश का हर नेता तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हिंदुस्तान में खून की नहीं दूध की नदियां बहने लगे। हाजी साहब, अरे अरे कौन हो तुम? गग्गू, जो पैसों की खातिर आज तक दूसरों का घर फूंकता रहा, लेकिन आज जब उसी आग में खुद का घर जल गया तो बर्दाश्त नहीं कर सका। हाजी साहब, आज मैं आपके सामने सच्चाई पेश करने आया हूं। जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया उनमें से मैं भी हूं, लेकिन ये सारे काम करवाने वाला आप ही का खास शागिर्द महादेव है। बोल, तुझे यहां भेजने की किसकी चाल है? किसी की नहीं हाजी साहब, किसी की चाल नहीं है। मैं तो खुद अपनी चाल का शिकार हो गया हूं, खुद अपना घर बर्बाद कर बैठा हूं। मेरा इकलौता बच्चा इस दंगे में मारा गया। जिंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। ये क्या किया तुमने?
जहर पी लिया। राजी साहब, अब शायद आपको मेरी बात पर यकीन आएगा। इसमें महादेव के खिलाफ सबूत है। इसे रोकिए, इसे रोकिए, वरना वो देश को बर्बाद। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात है? मुझे तुमसे अकेले में बातें करनी है। आइए। लेकिन सर, तुम लोग जाओ, ड्राइवर को सिक्योरिटी के साथ भेज दो। लेकिन हाजी बाबा, गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा। ठीक है, बैठिए हाजी बाबा। आइए आइए, कहिए क्या बात है। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शहर में दंगे किसने करवाए थे? मैं पूछता हूं कि शहर में बम ब्लास्ट किसने करवाया था? हाजी बाबा, मैं नहीं जानता। मैं पूछता हूं कि शहर में बम ब्लास्ट किसने करवाया था? मुझे नहीं मालूम। मैं पूछता हूं कि दंगा कराने में किसका हाथ था? बाबा, मैं सच बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाजी बाबा, दंगे मैंने करवाए थे। रामजादे, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तूने इतनी मासूम जिंदगियां ले ली। भाई भाई के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश की। तू नहीं जानता इस देश की मिट्टी धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करते। हाजी बाबा, हाजी बाबा, तुझे मैंने करवा दे। ये बुड्ढा तो बड़ा खतरनाक निकला। अगर तुम नहीं आते, ये तो मुझे बर्बाद कर देता। महादेव, अगर ये देश गांधी पैदा करता है तो उसे खत्म करने वाला भी यहीं पैदा होता है। महादेव, तेरे गुनाह का कच्चा चिट्ठा सबूतों की शक्ल में अपने एक खास आदमी के पास रख चुका है। मेरी मौत की खबर मिलते ही तेरा पर्दाफाश कर देगा। हाजी बाबा कैसे हैं? सर, अगर इन्होंने 48 घंटे निकाल दिए तो समझ लीजिए खतरा टल गया। डॉक्टर, उन्हें किसी भी हालत में बचाना होगा, किसी भी हालत में। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर सर सर, शहर में तरह तरह की अफवाहें फैला जा रही हैं। कुछ लोगों ने यह बात फैला दी है कि बाबा को मारने वाले हिंदू हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गर्मी है, दंगा कभी भी भड़क सकता है। एसपी, अफवाहें फैलाने वालों को फौरन अरेस्ट करो। ओके सर। डॉक्टर, आप एसपी साहब और कमिश्नर साहब के साथ जाकर एक प्रेस रिलीज दीजिए और कहिए कि ये महज एक हादसा था, बाबा खतरे से बाहर है। ओके सर। ओके सर। बाबा,
यहां सब ठीक है। तुम हाजी बाबा से मिलने जुलने वालों पर नजर रखो ताकि हम उस आदमी तक पहुंच सकें जिसके पास सबूतों की फाइल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साला डिब्बे वाला फुकट में मेरे मुंह से गाली निकलवाता है। कैसा मस्ती में जा रहे लाए हलकट, ना शकल ना अकल, ले दे के बस एक साइकिल, उसी पे सांड के माफिक बैठा दुनिया भर को डिब्बा पहुंचाता है और अपुन को दिन रात जलाता है। चलत मुसाफिर, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर। हम कानो एंट्री में घुस गए क्या भैया? ये एकदम सही एंट्री में घुसेला है। अरे हवलदार को भैया बोल रहे भैया? हे भैया हवलदार साहब, ये बताओ हमारी गलती का है? अब इंसान सत्ते रुको चल चल की भाई कौन? अरे का पहली पूजावत हो? अरे हम अकबर है बिरबल नहीं। मैं अभी तेरे को अकबर से बिरबल बनाता है। ए चला भाई ना, हमें काहे ठुकरावत हो? हम तो तोहरे पैरों की जूती है, का कहो तो आप है कौन? हम तो नहीं पहचान थो। नहीं हम तो जोरू जोधा भाई। जोधा भाई ए मुगले आजम, अभी जास्ती नाटक नहीं। क्या जास्ती नाटक नहीं साला, एड़ा बन के पेड़ा खाता है, सीधा घर लेके जाओ अपने भाई कुकू। अरे काहे घर ले जाए, हम तो कुवारे हैं। का? का? बच्चन का हम दहेज में लेके आई है, लो संभालो अपने लाडले को। अरे का जबरदस्ती हवलदार साहब, ये हमका फसाने की चाल है, ये झूठ बोलत है, ये औरत को हम कभी देखा तक नहीं। अब कहो कभी देखे तक नहीं? फुलवा? हाँ फुलवा, तो हर फुलवा हमका हाथ मत लगाना फुलवा। हाँ हवलदार साहब, कल रात हमसे ही चुम्मा मांगे रहे और हम इनकार कर दिए, तब से हमसे जरा खफा है। झूठ, चलो गुस्सा थूक दो, जितना चाहे चुम्मा ले लो और घर चलो। ले लो ले लो चुम्मा ले लो। अरे अरे चुप करो बेशर्म, ना ही हमरे बच्चे हैं और ना ही हमरे जोरू, ये सब झूठ है। ये झूठ है? ये सब झूठ है? तेरी कमरिया पर ये खरोच का निशान भी झूठ है? अरे ये तो हम बचपन में पेड़ से गिर गए थे, ऊ का निशान है। ओ दैया, बचपन का निशान है तो हमें एक और निशान बतावत है जो बचपन में माजा ने है और जवानी में जोरू। का? क्यों बताई दे? बताई दो। आप नहीं बच सकते भैया, तो चलो उठाई दो पजामा। चलो चलो उठाई दो। पजामा उठाएगा तो सेंसर बोर्ड काटेगा। चल बच्चे को उठा और पाइकों को घर लेके जा। तुमको घर ले जाओ नहीं तो मारेंगे। बच्चुआ का नाम है तुहार? गोविंदा। और तुहार? चंकी। अरे आंखें काहे दिखावत हो चंकी मंकी? काली पीली फोकट में आधा घंटा खराब किया। गोविंदा चंकी, गोविंदा। मम्मी मम्मी हम यहाँ हैं। कहाँ? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? मम्मी मम्मी आंटी में है ना, ये लाली पॉप के बदले अंकल को अब्बू कहने को बोला तो हमने बोल दिया। सॉरी, ये बच्चे बड़े नटखट हैं, चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो बच्चों बाय बाय आंटी। अरे हट, देखा लोगो इस चुड़ैल को? अरे राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। अरे इसे देखकर तो हम भी धोखा खा गए थे। अरे ये कैसी लड़की है? क्या लड़की है? अरे, अरे किसी शाने ने कहा है कि प्यार और मारवाड़ी में सब चलता है। अरे अकबर, वो तो अपन का दिल तेरे पे आ गया बे,
वरना आप उन्हें लंबू को भी आंख मारे ना तो वो भी फिसल के गिर जाए। अरे लंबू फिसल सकता है, हम नहीं, हम अकबर हैं। कड़ी नजर रखी है सर, अभी तक कोई आया नहीं। आएगा, जरूर आएगा।
जिसने भी आरडीएक्स से भरी उस गाड़ी को बाहर से यहां स्मगल किया है वो कभी ना कभी जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। सिर्फ एक घड़ी, बस सिर्फ एक घड़ी हाथ आ गई तो जंजीर बन जाएगी, प्रदेश को तबाह करने वालों की तबाही शुरू हो जाएगी। बेलट, वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं। आजकल की लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती, घर क्या संभालेंगे? अनीता थैंक यू। हाय। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लिफ्ट ले रहे हैं। ओ मैडम, लिफ्ट ली नहीं जाती, लिफ्ट मांगी जाती है। जी नहीं, लड़की होने का यही तो एक एडवांटेज है, हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। कम ऑन मेरा। अरे अरे, हम पहले ही डांस रिहर्सल से थके हुए आए हैं, और क्यों डांस करवा रहे हो? ऐसे में क्या आफत आ गई? आफत नहीं मैडम, मेरे ससुराल वाले। क्या ससुराल वाले? मगर वो तो पुलिस है। यही तो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। पुलिस वालों को तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? लेकिन मेरे चाचा को तो है। चाचा? उसी ने तो मेरे पीछे पुलिस लगवाई है। क्यों? एक कसाई के हाथों मेरा सौदा कर दिया। कसाई? अमीन, लड़की का बाप। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लिफ्ट देने की? लेकिन मैडम, लिफ्ट तो आपने ही मांगी थी। शट अप एंड जस्ट स्टॉप द कार। आई से तुम इसे जानती हो? पिछले महीने फूलों के एग्जीबिशन में गई थी, वही टकरा गया था ये लुच्चा लफंगा लोफर बदमाश, तब से कांटे की तरह चुपता रहता है। अरे ओ मैडम, जिस दिन ये कांटा सचमुच चुप गया ना, उस दिन सिर्फ आई लव यू की चीख सुनाई देगी। शट अप। वेलकम वेलकम प्रदार, वेलकम। क्या बाबा, क्या चीज आया तू, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। याहू, अपन को पूरा भरोसा था ब्रदर कि तुम जरूर सक्सेसफुल होएगा। मगर पिंटो भाई, हाँ, पता नहीं कैसे अचानक पुलिस आ गई। हा? बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ यार। अरे वॉइस तो तुम्हारा खूबी है ब्रदर, और हमारे धंधे का एग्जाम जिसमें ऑलवेज तुम फर्स्ट आता है और अखा दुनिया का लोग तुम्हारे पीछे रहता है। ये लो ब्रदर, ये लो तुम्हारा शेयर। थैंक यू। वाह पिंटो, इस लड़के में बहुत खूबियां हैं। चालाक है, हुनरमंद है, और सबसे बड़ी खूबी क्या है मालूम है?
इंडियन सेंटीमेंटल। जिस तरह हम चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ। ताले खोल सकते हैं, हाँ। उसी तरह सेंटीमेंट की चाबी से हम जब चाहे इसको नचा सकते हैं। बा 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 बा। खबरदार, जो इका हाथ लगाया तो काम का करत है, बता। हाँ हाँ बताओ भैया। मैं वो, हाँ, मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालता हूँ। का टेढ़ी उंगली से घी? सीधी उंगली से काहे नहीं निकालते? हाँ हाँ सीधी उंगली से काहे नहीं निकालते, काम भी जल्दी हो जाएगा और घर भी जल्दी आ जाओगे। अरे सीधी उंगली से घी निकलता है क्या? निकाल के दिखा। तभी वीरू भैया को इतनी देर हो जाती है। अकबर भैया, आपने बेकार में वीरू भैया को पीट डाला। अकबर भैया, देखा कैसा पाला बदल रहा है? अरे हुसैन, ये का है? कैडबरी। देखा कितना रिश्वतखोर है, कोई इसे जरा सी चीज में भी पटा ले। अच्छा, मैं तो तेरे लिए भी एक सोने की चेन लाया था, लेकिन अब रहने दे। अरे वीरू भैया, अकबर भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। वीरू भैया को खुद भी पीटा और हमसे भी पिटवाया। अरे जितनी जल्दी तूने पाला बदला है, उतनी जल्दी कोई नेता पार्टी नहीं बदलता। अरे वीरू, इन दोनों ने तेरे खिलाफ हमका पट्टी पढ़ाई थी। अच्छा, अभी देखता तुम लोगों को। अरे अकबर, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कभी मुझे मारता है, कभी बच्चों को मारता है। एक मिनट, ये तोहफा मैं तुम्हें ईद पर देने की सोच रहा था। जिस दिन तोहफा मिले उसी दिन ईद और उसी दिन दिवाली। तू रोज देर से आकर मवाली। जॉनी भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे हुसैन भाई, गलती से मिस्टेक हो गया। हमेशा गलती से मिस्टेक हो जाते हैं, कभी तो गलती से सही किया कर। अच्छी बात है। ठीक है। अरे बजरंग दादा नहीं आए? अरे बजरंग दादा आ गए बेटा, बजरंग दादा आ गए। आ तो गए, मगर हमेशा की तरह आज फिर लेट। चलो निकालो हमारी पेनल्टी। ले अपनी चॉकलेट। पुकारता है दादा और दादा से ही दादागिरी करता है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमेशा, आप हमेशा लेट आते रहेंगे और पेनल्टी में चॉकलेट निकालते रहेंगे। नहीं बेटा हुसैन, आज मेरा आखिरी दिन है, कल से मैं डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूँ। जनार्दन ये काम संभालेगा बेटा। आप कॉन्ट्रैक्ट जनार्दन को दे रहे हैं दादा? दादा आप अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ जहाँ उसके कॉन्ट्रैक्ट है वो और उसके साथी डब्बों की आड़ में गलत धंधे करते हैं। जरूर उस हराम ज़ादे ने आप पर दबाव डाला होगा और मारने की धमकी भी जरूर दी होगी। मौत से अब कौन डरता है भाई, छत्ती कटती थी कट चुकी। फिर बात क्या है दादा, बताइए। क्या बताऊँ बेटे, तुम सब लोग मेरे बच्चों की तरह हो, कौन बाप चाहेगा कि उसके बच्चों पर आफत आए। अच्छा उसने हमारी धमकी दी, हम मर जाएंगे मगर ऐसा नहीं होने देंगे। क्या बोला रे तू?
तू क्या नहीं होने देगा? और तू जानता है मैं कौन हूं? जनार्दन। और जो मेरी गल नहीं सुनता है उसको मैं देता हूं दनादन। जनार्दन दादा मत मारो इसे, मत मारो इसे। ओए, तूने मेरा हाथ पकड़ा, तूने मेरा हाथ पकड़ा। ए, हमरे दादा को काहे मारा? ओए चूहे, तू शेर के सामने खड़ा हो गया है, तुझको डर नहीं लगता है? बूढ़े आदमी को मारे तो और खुद का शेर कहो तो हमका तो शिकारी कुत्ता लगा तो। मार डाला हमरे छोटे भाई का, मार डाला। तो जिंदा है भाई? अरे ये भी कोई जिला है रे छोटू, ना तुरे पैर जमीन पर, ना सर आसमान पर, इतनी छोटी सी जान हवा में रेलवा से टकरा सकता था, जमीन से सर फट सकता था, मौत से हाथ मिला सकता था। अरे कितनी बार कहा है अपनी छोटी सी जान को संभाल कर रख, गली के कुत्तों से बचा कर रख, पर ना ही किसी भी गधे से भिड़ जाता है। अरे गधा तो गधा ही है ना, उसका लात मारने की आदत है, मार दी लात। ओए, तू इस बच्चे को समझा रहा है, मैं नू गाली दे रहा है? अरे नहीं नहीं, तो एक गाली देकर खुद की जबान गंदी करनी है का? मगर कचरा साफ करे खातिर हाथ तो जरूर गंदा करना पड़ेगा ना। मुंडे का क्रियाकर्म करने वास्ते इसके बंदों से इसका नाम तो पूछ। अल्लाह अकबर 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 जाना का आराम है, चिकलम चिक चिक लुरु,
शुरू चिकलम चिकी चिकिलुरु लुरु जिंदगी अब शुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहाँ नहीं गुरु अब शुरू चिकलम चिकी चिकिलुरु जिंदगी अब शुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहाँ नहीं गुरु चिकलम चिकी चिकिलुरु गद्दारी जो भी करे हम उसको जीने न दूं इस देश की मिट्टी को मिट्टी में मिलने न दूं अरे गद्दारी जो भी करे हम उसको जीने न दूं इस देश की मिट्टी को मिट्टी में मिलने न दो बिना वर्दी का ही एक सिपाही हूँ हम तोड़कर दुश्मनों को ही तोड़ूंगा दम चिकलम चिक चिक लुरु लुरु जिंदगी अब शुरू शुरू ए चिकलम चिक चिक लुरु जिंदगी अब शुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहाँ नहीं गुरु काम आना सभी के यही काम है कभी सोचा न जाना का आराम है चिकिलम चिकी चिकिलुरु लुरु जिंदगी अब शुरू शुरू हाँ चिकिलम चिकी चिकिलुरु लुरु जिंदगी अब शुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहाँ नहीं गुरु मार खाएगा अरे पुलवा अरे वीरु तू अरे पुलवा मेरे पीछे हवलदार लगा हुआ है प्लीज संभालना यार अरे पकड़ो सलाम साहब अरे चौदा भाई तू अरे तेरा तो एकदम हुलिया चेंज आला रे अपने मरत को यही पसंद है अरे देवा भैया वाली आवाज पन गेली गेली अरे तेरा मरत तो वही है ना अरे उसके जैसा मर्द की दुनिया में नहीं अच्छा तेरे को गोविंद की दोनों ठीक फर्स्ट क्लास पंचायत तुम ही थे कैसे ओ देवा रे देवा वो चोर इधर भाग के आला साला तू उसको देखा क्या चोर तिकड़े गला उधर गेले हां अब भी पकड़ता साले को अरे वीरू चल बे बाहर निकल गया आ गया थैंक यू फुलवा थैंक यू आज तो तूने मुझे बचा लिया यार अरे कोई बात नहीं चलता है ये रहा तेरा इनाम तू ही रख यार अब उन इसका क्या करेगा किसको बनाएगा अरे उसी को जिसको तू प्यार करती है जिसको अपन प्यार करता है जैसा तू पुलिस के हाथ नहीं लगता ना वैसा वो भी साला अपन के हाथ नहीं लगता यार अच्छा हाँ कौन है वो वही चकबर अकबर और मुझे नहीं मालूम साला अच्छी दुनिया को मालूम है और तुझे मालूम नहीं अपन गलत आदमी के प्यार के लफड़े में पड़ गया यार अपने को लगता है अपनी अच्छी जवानी ऐसे ढल जाएगी तू फिक्र मत कर फुलवा मैं उसे ढलने नहीं दूंगा अरे फुलवा मेरा ये मतलब नहीं था यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू अपनी कहानी का डायरेक्टर मुझे बना ले और फिर देख अकबर तेरे कदमों में होगा वो कैसे सुन अरे सुखिया चाचा एक फर्स्ट क्लास दुधवा बनाई दो
बहुत थक गया मैं आज, आज कुछ ज्यादा ही कसरत हुई गवा। अरे तबियत तो चौचक हुई गवा। अरे सुकिया चाचा नजर नहीं आते। अरे बुड्ढी चुप, छोरा देखने गए हैं हमारे लिए। तू उनकी बिटिया है का? हाँ, फूलवती नाम है हमारा। का नाम पसंद नहीं आया के? बात नहीं, नाम कुछ जाना पहचाना सा लागत है। मने देख के तो सब ये ही बोले हैं। दूध बनाई दो, मलाई भी डाल दूं? अरे बिना मलाई के दूध कैसा? दूध बा तो भांग का नशा है रे फूलवती। और मारे में तू तो बड़ी लसीली है रे, जो भी तुहार संग बिया करेगा ना नशे में रहेगा। तू करेगा मारे संग बिया? हाँ, माने थारा कसरती बदन बहुत पसंद है। मैं थने रोज नशीला दूध पिला पिला के थारी सारी थकान मिटा दूं। नहीं, अब तो और संग बिया नहीं कर सकत। अरे क्यों नहीं कर सकता? अपुन तेरे को पसंद नहीं क्या अकबर? हमका तो फुलवा ही फुलवा नजर आते है। ई तो हमार फोटवा लागत है रे। तोबर तोबा, ई का हुई गवा हमरे संग? कोई देख ले तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी अकबर। अरे बीरू, पता नहीं किसकी चाल है हमका बदनाम करने की। अरे बदनाम तू क्या होगा अकबर, तेरी इन छिछोरी हरकतों से बदनाम तो हम होंगे ना। तू हमका इतना घटिया समझता है बीरू? अरे समझने को बचा ही क्या है अभी। आरती बहना, तू तो हम पर यकीन करती है ना? कल तक करती थी। मेरे भाई, ये सब का हुई गवा तुम सबको? ई हम ना ही है, ई हमरा हम सकल है। हाँ हाँ, ई तोहार हम सकल है और ई फुलवा का हम सकल है ना। हमका जाने हो भी सकता है। बस अकबर बस, बहुत हो चुका है हम सकल का नाटक। कल दूध की दुकान पर तू ही गया था ना? हाँ। दूध पिया था ना? हाँ। दूध पीने के बाद फुलवा के साथ? हाँ, नहीं। छी 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 अकबर, बेचारी की जिंदगी तो मिट्टी में मिल गई ना। कह रही थी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे कौन करेगा बेचारी के साथ शादी अकबर? बाप रे बाप, ये हमसे कहाँ हुई गवा? फुलवा कहाँ है? मैंने उसे चौपाटी की तरफ जाते हुए देखा। हाँ? है जरूर भेलपुरी खाने गई होगी। अभी चुप, इन हालात में कभी कोई भेलपुरी खाने जाता है क्या? मुझे तो लगता है कि वो सुसाइड। सुसाइड? नहीं, फुलवा हम आते हैं। फुलवा, अपुन के पास टाइम नहीं है, हाथ जल्दी चलाए। अच्छा तू अब तक जिंदा है? अरे हमने समझा तू समुंदर का आधा पानी पी चुकी होगी अब तक। अरे जल देवता ने स्वीकार नहीं किया का जो इन नौटंकी करत हो? हाँ, इसी बदमाश और बेशरम छोकरिया को स्वीकार करेगा भी कौन? अरे मोहब्बत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी। अब उन स्टाइल में मरेगा क्या? फुलवा ये क्या कर रही हो तुम? अकबर भाई रोको इसे। अरे ये क्या रोकेगा हुसैन, इसको तो सिर्फ दूसरों की इज्जत से खेलना आता है। अरे बीरू, तुम सब बड़े भोले हो, इसकी चाल नहीं समझ सकते, लेकिन हम समझ गए। कल सुकिया चाचा की बेटी बनकर हमरे दूध में नशा मिलाई रही और फिर हमका ब्लैकमेल करने के खातिर किसी लुच्चे फोटोग्राफर के संग हमरी गंदी गंदी फोटो लिए। अरे ओ सुसरी, बोला सच का है? हाँ ये सच है, और ये भी सच है कि कल इसने मेरी इज्जत लूट ली। वीरू, हुसैन, मैं जा रही हूँ, अलविदा। भाभी। अरे रुको हुसैन, ई ससुरी तुम लोगन को नरक से भी सताएगी। अरे भैया ईटा जरा मजबूती से लगाई दो, कहीं सांस लेने की जगह ना रह जाए। अच्छा अकबर, अपना ख्याल रखना, अपुन तो तेरे लायक नहीं था ना, लेकिन अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के शायद
शादी जरूर कर लेना। हाँ हाँ तू फिकर काहे करत हो, तुम्हारा आखिरी चाह जरूर पूरी कर देंगे। अरे चलो लोगों, तमाशा खत्म हुआ। मैं तो शर्म आनी चाहिए, बेचारी ने मोहब्बत में जान दे दी और इसका दिल नहीं पिघला। अरे चुप अकबर, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन तुम्हारा ये रूप हमारे सामने आएगा। अब हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अरे काहे नहीं रह सकत, छत से पानी टपकता है का? भैया तुम खूनी हो। हाँ हाँ तुम हत्यारे हो। अरे हम एक काहे खूनी हत्यारा बनावत हो? अरे ऊ चुड़ैल तो हमार पीछा नहीं छोड़ेगी, अभी प्रकट हो जाएगी। बंद दीवार माँ आदमी एक मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकत। अब उन तो एक घंटे का इंतजाम करके आज छाने। भैया एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया अकबर, एक मिनट हो गया। की बार तो आप उनके साथ डायरेक्टर है। अब तक तो बेचारी बेहोश हो चुकी होगी। भैया दो मिनट हो गया, दो मिनट हो गया अकबर, दो मिनट हो गया। कुछ कर अकबर, कुछ कर। अंदर से तो हंसने की आवाज आवत है। नहीं अकबर नहीं, ये हंसने की नहीं, ये तो दम घुटने की आवाज है अकबर। अब तक इसके प्यार को हम मजाक समझ रहे थे, मगर ये सचमुच हमका प्यार कर रहे थे। ओ फुलवा, नहीं नहीं, अब तो तुझे इसकी लाश तक चुने का हक नहीं अकबर। तू हट जा वीरू। नहीं अकबर नहीं, हम कदा हट जा, हम आ गए फुलवा। फुलवा फुलवा आंखें खोलो फुलवा, अगर तुम्हें तो कुछ हो गया ना हम जी नहीं सकेंगे। सच फुलवा, फुलवा। अरे यार इतनी मोहब्बत अगर मैंने किसी परी से भी की होती ना तो वो भी मुझसे शादी करके स्वर्ग ले जाती हनीमून मनाने। तो मनाओ ना हनीमून स्वर्ग में, रोका किसने है तुम्हें? दिल ने, और ये दिल मजबूर है। वो कहावत है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। क्या तुमने मुझे गधी कहा? मुझे यो, यो, यो। अभी बताती तुझे। क्या कह दिया, भाग। देखा अनीता, आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया ना। आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। आई ये पट्टा तो इसी के चक्कर में लगता है। अरे गुरु अपनी जात बिरादरी में रहो ना, मेरा खाना क्यों खराब कर रहे हो यार। अरे सांड भाई तुम तो सीरियस हो गए यार, मुझ जैसे हैंडसम से नहीं पट रही है, तुम्हारे सिंगों पर मर मिटेगी क्या? अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, मगर लगता है तू प्यार की भाषा नहीं जानता। चुभता जाए
दिल 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 कर लेगा जमाना, क्या कर लेगा जमाना। लाचार को कुछ दे दे बाबा, अंधे लाचार को कुछ दे दे माई, अंधे लाचार को कुछ दे दे माई। ये लो बाबा। नाम अकबर है मेरा, सब पे नजर रखते। अरे ओ ससुरे, अंधा हुआ है का? वाह अकबर भैया, अपने पे तो नजर रख नहीं सकते, दूसरों पे कहा नजर रखोगे? लगता है उस ससुरा तो हम पर नजर रखा हुआ था। अरे ये भीड़ कैसी? चलो देखो। अरे क्या हुआ माई? खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो खुदा की कसम मैं ये तलवार उसके सीने में भोंक दूंगी। तुम लोग इन काफिरों को बचा रहे हो? कौन है काफिर? खुदा के ये मासूम बच्चे या ये बेवा औरत जो कल तक तुम में से किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी और किसी की मौसी। और मियां, आज तुम्हारे जिस हाथ में तलवार है कल उसी कलाई मिला के बनवाई थी ना। अरे उस बादशाह हुमायूं के पास तो रानी कर्मावती ने सिर्फ राखी भिजवाई थी और वो अपनी पूरी फौज लेकर उसकी हिफाजत करने के लिए आ गया था। फौज लेकर तो तुम लोग भी आए हो, लेकिन इसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, इसकी जान लेने के लिए। जमाल मियां, यकीन नहीं आता कि तुम्हारा खून कैसे सफेद हो गया। तुम्हारी बीवी जब 6 दिन के आसिफ को छोड़कर गुजर गई थी तो उसको अपनी छाती का दूध पिलाकर जिंदा रखने वाली यही औरत थी। अब्दुल मियां, तुम इसी बच्चे को अपने कंधे पर बैठा कर कल तक चॉकलेट दिलवाने ले जाते थे ना,
भोग दो इसके पेट में तलवार और निकाल लो अपनी सारी वो चॉकलेट जो तुमने इसको दिलवाई थी। अरे भोग दो, निकाल लो। अबे चाचा, अपनी चॉकलेट ले लो, मेरी माँ को छोड़ दो। बीरू, हमरे अम्मी अबू नहीं रहे। मत रो बेटा, मत रो। अकबर भाई, मेरे बच्चे बीरू और हुसैन कहाँ हैं? माई माई बीरू माई माई माई, तुम हम भाइयों को मिलाकर कहाँ चली गई थी माई? अरे माई, हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माई। माई हुसैन, माई हुसैन, माई और वो छोटी सी बच्ची कहाँ है? माई वो छोटी बच्ची नहीं रही, हम कहा तो छोड़ो, अकबर भैया और वीरू भैया के भी कान खींचे थे। माई हाजी बाबा कहाँ है? मैं उन्हीं को देखने आई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो अस्पताल में भर्ती है। कहाँ? डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में पेट पर इतना गहरा जख्म कैसे लग सकता है? ये अटैक भी तो हो सकता है। मेजर बलवान, एक्सीडेंट और हमले की चोट में फर्क होता है, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनका एक्सीडेंट ही हुआ है। क्या कर रहा है? बोल गोगा। भाई एक खुशखबरी, हाजी की फाइल का पता चल गया है। That's good। वो फाइल हम सबके लिए बारूद बन सकती थी, इसकी चिंगारियों से चीफ मिनिस्टर की धज्जियां तोड़ सकती हैं, साथ साथ हमारी प्लानिंग की भी। वो फाइल है कहाँ? मेजर बलवंत के पास। बा मेजर बलवंत के पास? फिर देर किस बात की है? भाई उसके बंगले पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, किसी भी आदमी के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। छोटे, ये काम आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है, तेरे जैसे छलावा के लिए नहीं, जो कोई भी रूप धर सकता है। और फिर तुम मेरा भाई है, समझ लो भाई। फाइल हाथ में आई। You are absolutely fine, Mr. Mahadev. हिंदुस्तान से क्या खबर लाए हो महादेव? जगराज, तुम्हारे लिए बहुत ही खास खबर लाया हूँ। हिंदुस्तान में सरकार अगले महीने की 20 और 21 तारीख को कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रही है। तारीखें तो कई बार तय हो चुकी है, लेकिन कश्मीर में इलेक्शन करवाने की हिम्मत हिंदुस्तानी गवर्नमेंट में नहीं। लेकिन इस बार सरकार ने ठान ली, वहाँ के लोग आतंकवाद से उब चुके हैं। वहाँ के लोग वही करेंगे जो हम चाहेंगे, क्योंकि पूरे कश्मीर में हमारे आदमी ने अपना जाल फैला रखा है। ठीक है, इलेक्शन से पहले वो लोग वहां तबाही मचा देंगे, किसी की जरूरत भी नहीं होगी कि अपने घर से बाहर भी निकल सके। ये क्या है? हमारी सरकार का प्लान। जनरल वाली, इस बार हमारी सरकार ने पक्का फैसला कर लिया है कि कश्मीर में हालात चाहे कुछ भी हो, इलेक्शन जरूर होंगे। मिलिट्री की तरफ से इस सिलसिले में क्या तैयारी है? सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहां के ऐसे तमाम लोगों की खुफिया रिपोर्ट तैयार कर ली है जिन पर आतंकवादी होने का या उनका मददगार होने का जरा भी शक है। ये रही। लेकिन अब तक इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन से ठीक एक रात पहले, ताकि दुश्मन को कोई और साजिश रचाने का मौका ही ना मिले। लगता है इस बार हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल होंगे। यस। शाबाश महादेव, मैं जितना समझता था तू तो उससे भी ज्यादा शातिर निकला।
ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो सब ठीक है जगराज, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। जो फाइल मेरे खिलाफ तैयार की गई है वो मुझे अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मजबूरन मुझे हाजी को जिंदा रखना पड़ रहा है। तू फिक्र मत कर, वो फाइल तुझे मिल जाएगी। मालिश, तेल मालिश, कल जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। हुसैन तू कुछ बने ना बने, पर हमरी खोपड़िया में तेल मालिश कर 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 तबलची जरूर बन जाएगा। और नहीं तो क्या, तेल मालिश कर कर के आदमी तबलची ही तो बनता है। ढंटन ई का है अमूल मस्का, जो काम नहीं किसी के बस का वो काम करे अमूल मस्का। थोड़ा खाइए थोड़ा लगाइए। अरे का करो तो मस्का लगा रहा हूँ। अरे बुड़बक ई तो पाँव में लगाते। वही तो लगा रहा हूँ। अरे हमार मतलब है पाव रोटी माँ। आपके पाँव में तो हम सबकी रोटी है भैया। भैया जरूर दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। हट बीरू, ई मस्का पॉलिश किस लिए? अरे भैया सुना है मस्के में बड़ा जादू है। चोर पुलिस को लगाता है पुलिस अंदर। हाँ। लीडर पब्लिक को लगाता है पब्लिक अंदर। हाँ। लड़का लड़की को लगाता है लड़की अंदर। ई का मतलब है तू हमका अंदर करने का चक्कर में है। तुमको नहीं चाचा को। कौन चाचा? नंदलाल शर्मा। नंदलाल शर्मा ई कौन है? अरे वही जिसके हर शहर में बंगले। बंगले? शहर शहर में कारखाने। कारखाने? हाँ, जो लखपति नहीं करोड़पति है। करोड़पति? अरे तुहार चाचा ससुरा है कहाँ? अरे समझी जी, अब तो आपको अपने भतीजे का हाथ मेरी बेटी के हाथ में देना ही पड़ेगा। अरे वाह नीता, लगता है बात बन गई। बात तो बननी थी, जिस प्यार की ताकत ने तुम्हें हासिल कर लिया वो बाप का आशीर्वाद तो हासिल कर ही लेगा ना। डैडी चल वीरू, कम ऑन कम। डैडी ये वीरू है। ये तो है हमारा भतीजा। ये चोर क्या कह रहे हैं आप? डैडी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे चोर को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकता। अरे एसपी साहब लागत है चोरों का बीच में रहकर आपको सारे चोर नजर आते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास हम नहीं आप करते हैं। शट अप। अरे बाढ़ में गया ही ड्रामा, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकत। तुम कौन हो? अरे हम अकबर है ई का भाई है? चोर चोर मुसेरे भाई है? अरे खबरदार एसपी साहब हमका चोर कहा दो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है। अरे ये क्या बोलेगा, इसकी तस्वीर तो हर पुलिस थाने में चीख चीख कर ये कह रही है कि ये चोर है चोर है चोर है। सबूत नहीं है वरना ये अंदर होता। वाह बेटी वाह, ढूंढा भी तो एक चोर को। सारी दुनिया मचाती शोर पुलिस वाले का दामाद चोर, सारी दुनिया मचाती शोर पुलिस वाले का दामाद चोर। अनीता मेरी बात सुन। अरे चुप कर तू, तेरी बात ये क्या सुनेगी, तू मेरी बात सुन। और तुम दोनों एक पुलिस ऑफिसर को फ्रॉड करने के जुर्म में सीधे हवालात में जाओगे। हाँ कत्तार, आज तक तू हमका धोखा देता रहा और हम तोरी मोहब्बत माँ इतने अंधे हो गए, कभी सोचा तक नहीं कि ये पैसा ये तोहफे तू चोरी कर कर लावत है। लेकिन आज हम तोरे असली रूप को देख लिए। बोल काहे हमका धोखे में रखा, अरे कहा गुनाह किया था हमने? हम खुद अनपढ़ रहे पर तोहे पढ़ाया। स्कूल में बस हमरी इतनी पहचान थी कि हम तो हर खाने का डब्बा पहुंचाते थे, हम तो हर मुंह देखे लेकिन किताबों का मुंह कभी नहीं देखा। अरे आज तक हम ठीक से बोलना भी नहीं सीखे, और तू ये सब का ई सिला दिया, अपने साथ साथ हमका भी चोर साबित कर दिया। अरे लोग क्या कहेंगे, एक मुसलमान ने एक हिंदू को चोर बना दिया। चाहे तो मेरी जान ले ले मगर ऐसी बात मत कर। अरे अकबर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों में कोई फर्क है। फर्क है, तू चोर है। दूसरों के खून पसीने कमाए हड़पने वाला चोर, दूसरों की रोटी छीनने वाला चोर, दूसरों के मेहनत मजदूरी के पैसे से ऐश करने वाला चोर। हाँ मैं चोर हूं, लेकिन चोरी मैंने इसलिए नहीं की कि मैं मेहनत से जीत चुराता था या ऐश करना चाहता था। तुझे याद है
जब ताला बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे नई नई नौकरी मिली थी, उसी दौरान डब्बा पहुंचाने वालों की 8 दिन की हड़ताल हो गई और हुसैन अचानक बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने 4,000 की दवाइयां लिख दी थी, सबके घर में 4 रुपए भी नहीं थे। सेठ के आगे एडवांस के लिए हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने 1 पैसा भी नहीं दिया। तब पहली बार उसी की फैक्ट्री में मैंने चोरी की थी। हाँ, लेकिन मैंने इसे कभी जुर्म नहीं माना। अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए मैं किसी का खून तक कर सकता था, मगर आज मेरे किए की सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है अकबर। मैं तेरा गुनहगार हूं, तेरा मुजरिम हूं मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वीरू, मेरे भाई, तू इतना सब कुछ कर गया और हमका पता भी नहीं चला। अगर तू आज नजर फिरा लेगा ना, तो हमार खुदा भी हमसे नजर फिरा लेगा। हमका माफ कर दे मेरे भाई। तेरे सर की कसम खाकर कहता हूं अकबर, आज की बात कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बंद करो ये पर्त मिला। आप हवलदार साहब, आप भी जेल में? हम जेल में नहीं रहेंगे तो क्या तेरे कार में रहेंगे? हमारा तो काम ही अच्छे है। हवलदार साहब, क्या आप कोई नाटक कंपनी में काम करते हैं क्या? अरे हवलदार साहब, मराठी बोलत पंजाबी बोलने लगे। अरे मुच्छी नकली है का? अब मैं स्किट नहीं रहूंगा इस जेल में। पिछले 8 दिनों में 80 बदमाशों ने मेरी मुच्छ खींचने की कोशिश की है, लेकिन अब या तो मैं अपनी ट्रांसफर करवा लूंगा या फिर अपनी मुछे मुटवा लूंगा, समझे बुढ़ियो? लेकिन वो मराठी। अरे यार, मैं 80 बार कह चुका हूँ, वो मराठी मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है। भाई? भाई? मेरे पापा जी बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट थे, जिस शहर में जाते थे वही की जनानी पटाते थे। आज नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। खैर, तुम्हें क्या इन बातों से? तुम्हारा बनवास खत्म हो गया है मुंडियो, जाओ, तुम्हारी किसी ने जमानत करा दी है, जाओ जाओ। जमानत हो गई? पापा जी मरवाता ना। ए जॉन, 3 ठंडा लाना मैं फटाफट। कम ऑन ब्रदर, यही छे अपन का गैराज। पिंटो भाई, आपने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात करता है मैन, काय का शुक्रिया बोलता। अकबर ब्रदर, आज तुमसे मिलकर अपन बहुत हैप्पी है। वीरू ब्रदर डेली तुम्हारे बारे में बोलता, बहुत प्रेस करता तुम्हारा। आज मीटिंग पन हो गया। मिले भी तो कैसन। अरे ब्रदर, अच्छा टाइम में तो सब मिलता है, लेकिन जो बुरा टाइम में मिलता है ना, वो रियल फ्रेंड होता है। क्या बोलता मैन? पिंटू भाई, तुम्हारा सिस्टर अंदर से दरवाजा बंद किया है, खोलता नहीं। नहीं, नो नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिस्टर, डायना, 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 दरवाजा खोलो। सिस्टर, तुमको जीजस का वास्ता है। सिस्टर, ऐसा नहीं करना, उसको बचा लो, उसको बचा लो। सिस्टर, नहीं, साहब, मरने का इरादा है क्या? सॉरी ब्रदर, मुझसे भाग रही है तू? साले, लड़की पे सोरस बता तेरी तो। मत मारी ब्रदर, ये अपन का आपस का मामला है। लेकिन मेम साहब, वो आपको ये जो जाता है, ड्रामा कर रही है। चल यहाँ से तू। वो शैतान, इसको प्यार में फंसाया, मुंह काला किया, शादी पर नहीं बनाया, इसका गंदा फोटो निकाला वो, और अभी हम ब्रदर सिस्टर को ब्लैकमेल करता है वो। का नाम है उका? गोगा। वो बहुत ही कमीन आदमी है पिंटो भाई। वीरू, दियाना को तो हमने बचा लिया, मगर उस शैतान के चक्कर में आकर कितनी लड़कियों ने इज्जत के खातिर अपनी जान दे दी होगी। अब वो सिलसिला बंद होना चाहिए,
अरे डियाना, तो ये पता है अब वो फोटो आना ही रहेंगे, हम चोरी करेंगे। कल तक तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन अब नहीं। अब काहे नहीं? तेरे सर की कसम जो खाई है मैंने। बीरू, डियाना हमारी आरती जैसन बहन है, और एक बहन की इज्जत खातिर तो ये हम कसम से आजाद करत है। नहीं, वो बहुत डेंजर आदमी है, उसके घर में अंदर बाहर बहुत सिक्योरिटी है, उसके घर में चोरी करना इम्पॉसिबल है। नहीं, आप लोग हमारे वास्ते अपनी जान मुसीबत में मत डालो ब्रदर। ब्रदर कहत हो तो हमारी हाथ में राखी बांध चूड़ी नहीं पहना। कसम है अल्लाह की, बांध पर से भाई की जान कुर्बान हो जाए तो शहीद कलवाता है। रोज 8 बजे वो कमीना बाहर निकलता है। ओके मिस्टर विश्वास, 8 बज गए, मेरे डिनर का टाइम हो गया। यू नो वी आर्मी पीपल वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। लेकिन हम सीबीआई वालों का कोई वक्त नहीं होता, कब किस वक्त क्या करेंगे। बाह, बचा।
थैंक यू ब्रदर। तुम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर हमारा इज्जत बचाया, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, ये हम कभी भी नहीं भूल सकता। बहन की इज्जत बचाना कोनो एहसान नहीं, एक भाई का फर्ज होता है। गॉड तुम दोनों को आने वाला हर मुसीबत से बचाएगा। जिंदगी में पहली बार एक नेक काम किया है, आज भरपूर नींद आएगी अकबर। चल मेरे भाई। थैंक्स ब्रदर। क्या बात है वर्मा साहब, अभी पता चल जाएगा। कम ऑन मूव नाउ, एक एक कोने की तलाशी लो, जाओ हरिया हरिया। पर साहब काहे की तलाशी हो रही है, क्या किया हमने? क्या किया है? तुम लोगों ने वो भयानक जुर्म किया है जिसके लिए जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तुम दोनों ने मेजर बलवंत का खून किया है। बलवंत? कौन बलवंत? हमने किसी बलवंत का खून नहीं किया, पर तू यहाँ कानून का खून करने आया है। हम दोनों भाइयों की जमानत पर छूट जाने से तेरी जो बेइज्जती हुई है उसी का बदला उतार रहे हैं ना तू? पर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा वर्मा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वर्मा। स्काउंडरल, तूने मेरे गरीबान पर हाथ डाला, मेरे गरीबान पे मेरे। साहब हमरे भाई को हाथ मत लगाना, वरना वरना क्या करेगा तू? हाँ मुझे मारेगा? मार मुझे मार। एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती और एक मिलिट्री ऑफिसर का कत्ल और उसकी तिजोरी से देश की कीमती फाइल को चोरी करना, और ये देखो ये है सबूत। तुम दोनों ने खुद अपनी कब्र खोदी है, और वो भी बहुत लंबी और बहुत गहरी। डाल दो हथकड़ियां इनके हाथों में। अभी भी वक्त है हरामजादे, बता दे फाइल कहाँ है। आपका नहीं मालूम साहब। नहीं है तो अपने गुनाहों को कबूल करके आसान मौत मार, वरना तड़प तड़प के मरोगे तुम लोग। बता दे फाइल कहाँ है। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम फाइल कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। कमिश्नर साहब, अपना अकबर किसी के पेट पे चाकू घोंप भी नहीं सकता। कमिश्नर साहब वो तो दूसरों का पेट भरता है, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? कमिश्नर साहब तुम उस बदमाश की बात कर रही हो जो वीरू का भाई है, एक चोर का भाई। वीरू चोर जरूर था साहब, लेकिन उसने अपने भाई अकबर का कसम खाया वो चोरी कभी नहीं करेगा। वो मर जाएगा साहब, पर अपने भाई की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। देखो तुम्हारी आंखों पर प्यार और जज्बात की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें उसका कोई जुर्म कोई गुनाह नजर नहीं आता। हमारे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है। ये खून और देशद्रोह का मामला है, और ऐसे जुर्म की सजा सिर्फ फांसी होती है। हेलो ब्रदर, टेक दिस। महादेव की कीमती फाइल सेफ में पड़ी हुई सड़ रही थी, कोई इसकी कीमत लगा नहीं सकता। अब सही हाथ में आ गई, बा अब पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। कीमत तो तुम्हारा दिमाग का है ब्रदर, क्या चाल चलाए तुम। सबसे पहले तो वीरू के सामने गौरी को डायना बनाकर ड्रामा किया, फिर गौरी को उनका बहन बनाया, फिर मरने का नाटक किया। उन दोनों को बहुत फूल बनाया तुम। Tell me one thing brother, मेजर बलवंत के घर सीबीआई अफसर बनकर तुम गया, उससे मिला, उसका मर्डर किया,
और घर का आदमी बनकर बाहर निकला, तो फिर वीरू का यूज क्यों किया ब्रदर? तुम सेफ खुद क्यों नहीं खोला? सेफ खोलना इतना आसान काम नहीं था। ये काम वही कर सकता था जो पुलिस की नाक के नीचे से आरडीएक से भरी हुई गाड़ी निकाल कर ले जाए, इसलिए ये काम मैंने वीरू को दिया। दूसरी बात, सेफ के अंदर ऐसी मशीन फिट थी जो सेफ के खुलते ही ऑन हो जाती थी और तस्वीरें खींच लेती थी। बांसुरी अजी के बच्चे, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल हो गया क्या महादेव? हाँ गोगा, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ गोगा, मैं पागल हो गया हूँ। गोगा, तू नहीं जानता तूने मुझे क्या दिया है। मैं दिन रात अपनी जिंदगी से खौफ खाने लगा था, उजालों से डरने लगा था, लेकिन आज वो सारा डर जल के खत्म हो गया है। लेकिन गोगा, वो हरामजादा हाजी अभी तक जिंदा है। चिंता मत कर महादेव, हाजी का बहुत जल्द खुदा हाफिज हो जाएगा। फरीदा बहन, भाईजान, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया था, महादेव भाई ने आपको यहाँ पहुंचाया। फरीदा बहन, फौरन पुलिस को बुलवाइए, मुझे बयान देना है। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। में आ गया? हाँ, तुम लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। कौन करेगा पर्दाफाश? बलवंत? वो बेचारा तो कब का सबूतों की फाइल देकर स्वर्ग से धार चुका है। तो मार रहे ना, तो एक दिन हम अपने पैरों पर खड़े ना ही हो सकेंगे। हम देश के गद्दार बन गए अकबर, हम देश के गद्दार बन गए। नहीं, हम देश गद्दार ना ही बने, हम तो देश के गद्दारों के लिए बने हैं। वो ऊपर वाला है ना, वो का खेल निराला है रे बीरू। जिस देश की मिट्टी से हो गया अनाज से अपना पेट भरते हैं, जिसकी नदियों के पानी से अपनी प्यास बुझावत है, वो देश के तरफ से हम बड़े लापरवाह हो गए थे रे। गिनती के कुछ लोग हमारे देश को तबाह कर रहे हैं और हम अपने कानों में उंगलियां ठूसे बैठे हैं। उस कारण ऊपर वाले ने हमका झटका दिया रे। हम समझ गए ऊपर वाले,
अकबर तो तोहार सिपत है ना, और तोहार बंदा ई अकबर देश के गद्दारों के नाम उनका मौत का पैगाम लेकर जाएगा। Thank you.
दूसरा आंख पर दूसरा। अच्छा कह रहा है मीरू हम कहते तू पहले जाना अकबर मैंने कहा तू जा मीरू तू जाना जल्दी से गैराज से भाग जा। क्यों? अरे अकबर और वीरू जेल से फरार हो गए हैं हरामजादे। जैसे कि मौत आती है तो वो दुश्मन से बचकर भागता है लेकिन अपनों के हाथों पुलिस स्टेशन वर्मा
या तो उस लोहे में मिलावट है जिससे जेल की सलाख बनती है, या फिर मिलावट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। वरना कोई वजह नहीं हो सकती कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वीरू और अकबर जैसे खतरनाक मुजरिम जेल तोड़कर भाग जाए और पिंटो का खून करके खुले हम कानून का मजाक उड़ाए। कानून के हाथ लंबे हैं सर और पांव छोटे। मुजरिमों के पांव के निशान तो मिलते हैं लेकिन मुजरिम नहीं मिलते। आई एम डेफिनेट सर, इस बार मुजरिम भी मिलेंगे। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुजरिम कानून की नजर से बच सके। वीरू, प्यार की आखिरी मंजिल क्या है? तलाक। क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले शादी करनी पड़ती है। तो बताओ ना वीरू, हम शादी कब कर रहे हैं? जब प्यार से मन भराएगा तब। सबके पास मकान। चल लाओ मत अनिता। अब क्या चुराने आए हो तुम? सब कुछ तो चुरा चुके। मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सुख, मेरी मोहब्बत। हाँ अनिता, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने तुमसे छुपाया कि मैं चोर हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं डर गया। डर गया कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। इसके लिए मुझे जो चाहे सजा दो अनीता। तुम सिर्फ एक चोर ही नहीं, खूनी हो, कातिल हो, देशद्रोही हो। ना, हम देशद्रोही नहीं है। हम तो किसी की मदद करने गए थे और साजिश का शिकार हो गए। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी कहानी पे यकीन कर लूंगी? हम जानत है, आज हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर तो है हमारी आवाज में, हमारी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आते तो बुला लो अपने पिता को, कर दो हमको पुलिस के हवाले, लग जा ले दो आपका बाजी। दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। ये बड़ी तुम चलना ही क्यों थी? वो डैडी, मैं कॉकरोच से डर गई थी ना इसलिए। अच्छा सर, जाओ जाओ सो जाओ, जाके जा सो। ठीक है डैडी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। वीरू, अनीता, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू जल्दी से लाओ। ए विष्णु, कहाँ है साहब? अरे ये क्या है, मेरी टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं आ रहा? बिटिया रानी का नाश्ता दे ही रहना है, बीच में आपको भी दे देंगे। नॉनसेंस, ये बीच क्या होता है? कहाँ बताई साहब, एक थाल का नाश्ता ऊपर जाता है, दूसरी थाल के बीच में पहली थाल का नाश्ता खत्म हो जाता है। अरे तो क्या अनिता की सुबह सुबह सहेली आई है? नहीं साहब, बिटिया रानी तो अकेले है। बेवकूफ, तो क्या उस पर जिन भूत चढ़ गया है जो इतना खाएगी? भगवान न करे बिटिया रानी के जिन भूत लग जाए। आप नजर न लगाएं, बिटिया रानी बहुत दिन के बाद पेट भर खाए रही हैं। आप तो रोज ही खाते हैं, थोड़ा सबर कर लीजिए। ऐसा लगता है कि वीरू के प्यार का बुखार उतर गया है। चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, हे चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा। चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा। बेटी दरवाजा खोलो बेटी। अरे ये क्या बात है डैडी, ये तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी। आवाजें? हाँ। कौन सी आवाज है डैडी? यही कोई मर्दानी सी आवाज थी। मर्दानी सी आवाज? हाँ ये आई। वो रेडियो, रेडियो चल रहा है डैडी। रेडियो?
अरे पर ये भी तो खराब है। ठीक हो गया, ठीक हो गया है, अपने आप ही ठीक हो गया दादी। हाँ ठीक हो गया, तो फिर अब आवाज क्यों नहीं आ रही है? आएगी दादी, आएगी। वो विविध भारती से आती है ना, थोड़ा टाइम लगेगा दादी। शर्मा जी वर्मा जी क्यों परेशान हो रहे हो, बिटिया पे काहे सा कर रहे हो, ओ वर्मा जी क्यों परेशान हो रहे हो, बिटिया पे काहे सा कर रहे हो, तू उल्लू तू पाजी तू बूढ़ा तू घुसट तू अब जाके सो जा, अरे सो जा ना, शुभ रात्रि। इस रात के लाखों है पल, चाहत में तू इनको बदल, इस रात के लाखों है पल, चाहत में तू इनको बदल, नाजुक बड़ी है ये उम्र, साए से भी लगता है डर, दिल न जलाओ पास आओ, वरना मैं तो जन्म मचा दूंगा शोर, चांद ये निकला दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा, अकेले नहीं हम तुम यहाँ, ये तो सोचो जरा, हो चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा, दादी कोई है इस कमरे में, कोई है, मैंने अपने कानों से सुना है, कोई शोर मचाने की धमकी दे रहा है। दे तो रहा था, इसे मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। कौन था? कौन था? नहीं अब भी है रेडियो, मैं बीबीसी सुन रही थी, आप भी सुनिए। वॉकिंग टॉकिंग हंसिंग रोइंग फॉलिंग हम्पटी डम्पटी, walking talking hussing roaring falling humpty dumpty, you are handsome shakal banaye phir kyon jaise monkey, oh man gorilla logo jaise ho jao kuch crazy, peekar dekho saath hamare tarra ye angrezi, cheers। शुभ रात्रि। मचला थोड़ा थोड़ा, हो जान ये निकला थोड़ा थोड़ा, ओ दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा, मिस्टर वर्मा एक वक्त था कि हमारी पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती थी, अब वो वक्त दूर नहीं
कि जो हमारी पुलिस की तुलना रेलवे यार्ड से की जाए। सर लेकिन कहां गया तुम्हारा वो दावा जब तुमने कहा था कि मैं उसे जमीन से खोद के निकाल लाऊंगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई ऐसा ऑफिसर है जिसने उन मुजरिमों को पनाह दे रखी है। व्हाट? यस सर, पुलिस की मदद के बगैर कोई मुजरिम बच नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ मिस्टर वर्मा, तो मैं उस ऑफिसर के साथ मुजरिम से भी बदतर सुलूक करूंगा। अकबर भाई, तुम लोगों का जाना जरूरी है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो बाहर पुलिस का जाल फैला हुआ है। हम जानते हैं, मगर वो दुश्मनों को हम ज्यादा देर आजाद नहीं छोड़ सकते। हमका जाना ही होगा बहना। मगर कहाँ ढूंढोगे उन्हें? हम ये तो नहीं जानते कि हमारी मंजिल कौन सी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उस तक पहुंचने की सीढ़ी हम जरूर ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट वीरू। लागत है फुलबा के जरूरी काम से आई है, चल जल्दी आ। ये फुलबा कौन है? मेरी होने वाली भाभी। फुलबा, फुलबा बात कहाँ है? अकबर तू जल्दी चल, मैं बताती हूँ। कहाँ बात है? तू चल तो सही। चल बीरू। बीरू सलाम साहब। सलाम। सलाम साहब। सलाम। ये तो वही दोनों बदमाश रखते ये क्या किया तुमने? जानती हो सारे शहर की पुलिस इन दोनों बदमाशों को ढूंढ रही है और ये मेरे ही घर में। ओ आई सी, अब समझ में आया कि वो बंद रेडियो से गाना कैसे बज रहा था। दो दो मस्तंडों का नाश्ता तू अकेली कैसे कर रही थी? इडियट, अगर ये दोनों मेरे ही घर में पकड़े जाते तो उनको छुपाने के जुर्म में मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ती। स्टूपिड। पर डैडी वो दोनों बेगुनाह हैं। तुझे कैसे पता? उन्होंने मुझे खुद बताया है। अच्छा, तो ये भी बताया होगा कि असली मुजरिम कौन है? नहीं, वो पता करना तो आपका काम है। शट अप, अब तुम मुझे बताओ कि वो दोनों भागकर गए कहाँ? नहीं बताती। देखो बेटी, बता दो कि वो कहाँ गए हैं, इससे तेरे बाप को प्रमोशन मिल सकता है। बता दूं? बता दूं? डैडी, वो दोनों ना फुलवा के साथ गए हैं। आए ये सब क्या हुआ बेटा? देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके सबूत भाईजान के हाथ लग चुके थे। उन्होंने ये सबूत एक फाइल बनवाकर बलवंत के घर रख छोड़ी थी। उन बदमाशों ने वो फाइल हासिल कर ली और भाईजान को। माई, हाजी बाबा की मौत के जिम्मेदार हम हैं। हाँ माई, उस फाइल की चोरी हमसे करवाई गई थी और वो चोरी हमने कम समझकर की है। हम कसम खाकर कहते हैं माई, हाजी बाबा की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हाँ माई, ओ गद्दार कहीं भी हो, हम उकाना ही छोड़ेंगे। क्या बात है जगराज, तुम हंस क्यों रहे हो? Why the hell are you laughing? हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों को आखिर कश्मीर में आने की इजाजत दे ही दी।
ताकि दुनिया को ये तसल्ली दे सके कि कश्मीर में इलेक्शन वहां के लोगों पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि कश्मीर के लोग खुद इलेक्शन चाहते हैं। अगर उन राजदूतों को कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी, वहां की सिक्योरिटी का पर्दाफाश हो जाएगा, तो मजबूरन हिंदुस्तानी सरकार को इलेक्शन रुकवाने पड़ेंगे। कौन है तुम? कश्मीरी। कश्मीर किधर है? हिंदुस्तान में। ये बात तुमको किसने बताया? अब्बू ने। वेरी गुड, अब्बू ने। यंग मैन, तुम क्या करता है? पहले मेरा हाउस बोट था साहब, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे साहब, हमारा हाउस बोट नंबर वन था साहब, आज सब बर्बाद हो चुका है साहब। किसने खत्म किया? Don't get scared. Tell me, ये सब किसने खत्म किया? हम कुछ नहीं चाहता। अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों हो? हाँ, छुपाने के लिए बचा क्या है? पूरे तो बर्बाद हो चुके हम। उन टेररिस्टों ने सब इसको बोला सरहद पार चल के बंदूक चलाने की तालीम लो, इसने मना कर दिया सब। तो उन्होंने हमारा हाउस बोट चला दिया सब। इसको बहुत मारा साहब, इसको बहुत मारा। और हमें हमें बहुत बेइज्जत किया सब, हमें बहुत बेइज्जत किया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडियन गवर्नमेंट इधर इलेक्शन करवाने को मांगता, क्या तुम वोट डालेगा? हम वोट डालेंगे जनाब, एक नहीं हम चार चार वोट डालेंगे, तीन वोट उन बेटों की डालेंगे जिन्होंने की जान दे दी लेकिन बंदूक नहीं उठाई। तुम लोगों को इंडियन आर्मी आई मीन हिंदुस्तानी फौजियों से कोई शिकायत है? कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। Don't move. कोई हिलेगा नहीं। Stop. Get the dog. आज के मुख्य समाचार। आतंकवादियों ने विदेश से आए हुए राजदूतों का आज कश्मीर में अपहरण कर लिया। इन हालात में कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए या नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री ने कल सभी दलों की आपात बैठक बुलाई है। हम यूएनओ को क्या जवाब देंगे? अमेरिका फिर हम पर दबाव डालेगा। हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन। होम मिनिस्टर साहब, आपने और आपकी सरकार ने कश्मीर के मामले को एक मजाक बना दिया है। एक अकेला आतंकवादी पूरी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा के विदेशी राजदूतों को किडनैप करके ले गया। क्या इसी सिक्योरिटी के दम पर हम कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? इतने शर्मनाक हादसे के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शांत हो जाएं आप लोग, शांत हो जाएं। अगर ये मसला महज मेरे इस्तीफा देने से हल होता है तो मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन ये वक्त आपस में कीचड़ उछालने और इल्जामात लगाने का नहीं है, बल्कि हमें अपने सब भेदभाव बुलाकर एक हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन अपनी घिनौनी चाल चलकर हमें धर्म मजहब जात पात प्रांत और भाषा के नाम पर लड़ाना चाहता है, हमारे मुल्क के टुकड़े कर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारे अवाम को नहीं जानता, हमारी जनता को नहीं जानता, और शायद वो ये भी नहीं जानता कि मथुरा में जिस जमुना के पानी को एक हिंदू अपने कृष्ण भगवान पर चढ़ाता है, जामा मस्जिद में हमारे मुसलमान भाई उसी जमुना के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। क्या ये एकता, ये जज्बा, ये प्यार हमारा दुश्मन मिटाने में कामयाब हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कटा है, झुका नहीं। यह हिंदुस्तान
अहिंसा के सामने झुका है हिंसा के नहीं, दोस्ती के सामने झुका है दुश्मनी के नहीं, प्यार के सामने झुका है तलवार के नहीं। जनाब आखिर ये आतंकवादी चाहते क्या है? भाई वो हमारे एक मंत्री के साथ अमेरिका में मीटिंग चाहते हैं। अमेरिका में? हाँ, और वो मंत्री जी हैं महादेव जी। उसे? उसे क्यों? अरे भाई वो शायद इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने में आप हमेशा सबसे आगे रहे हैं। लेकिन और हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। राजदूतों की जिंदगी बचाने के लिए उनके साथ मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। हाँ, आखिर पता तो चले उनकी डिमांड क्या है। मिस्टर महादेव को जाना चाहिए। लेकिन मैं महादेव जी ये सारी कैबिनेट का फैसला है, आपको जाना ही होगा। हम जा पा रहे हैं? जगराज को लाना। क्या कैसे? नीचे रखा और इन्हें खोलो। मिस्टर ऑफिसर ये तो डेड बॉडीज है। आई एम सॉरी डॉक्टर, रेड अलर्ट है इसलिए चेक करना जरूरी है। मे आई हैव द पेपर्स प्लीज? थैंक यू। नीचे रखो, खोलो इन्हें। ऑफिसर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है? हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट राजदूतों को लेकर कश्मीर से गायब हो गया है, पता नहीं कहां और कैसे पहुंच जाए। दैट्स ओके। एक मिनट डॉक्टर, इन सर्टिफिकेट्स को अपने साथ रखिए ताकि रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो चलो। फोर्स वन, स्काई इज क्लियर। जगराज हिंदुस्तान आ चुका है। क्या? जो फॉरेन एम्बेसडर्स किडनैप हुए हैं वो भी जगराज ने किया है। ओह आई सी। जगराज के ग्रुप में शामिल होकर मैंने उन सारे लोगों की तस्वीरें एक माइक्रोफिल्म की शक्ल में ले ली है। उन सबूतों को लेकर मैं हिंदुस्तान आ चुका हूँ। कल ठीक 4 बजे मैं आपको कंट्री क्लब में मिलूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौरी, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगी? शनि देवता बड़े दयालु हैं, इनके सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। क्या तुमने डायना बनकर अकबर और वीरू को नहीं फंसाया? आपको कैसे मालूम? मुसाफिर किधर को जाता है? हवलदार साहब, वो क्या? वो क्या?
आईला जब देखो तब भागता ही चलता है, तेरे को तो ओलंपिक का रेस में भेजना पड़ेगा रे। आपका जाने धवलदार साहब, नहीं तो वो क्या वो अबे अबे आप तो तेरे को छोड़ देगा, लेकिन वो जोधा भाई तेरे को नहीं छोड़ने वाली है रे। गौरी कौन है वो आदमी जिसने हमें फंसाया? गौरी प्लीज बोल। बोल बहन बोल, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास हम पहुंच पाए हैं। भगवान बोल गौरी, गौरी तुझे तेरे शनि भगवान की कसम, बोल गौरी बोल। चार बजे गौरी कंट्री क्लब। चाहो जिसे मैं दिल दो कर लो किसे सयारे, इस पल तो मैं ये जानू तू ही लगे है प्यारी। जाने जा जाने मन तू दिल की आरज़ू है, तू है मेरी मोहब्बत, बिन तेरे एक पल भी मिलती नहीं है राहत। धड़के नाम लूंगा हल्लो हल्लो दिल
मुझ पे यकीन इतना करती है क्यों दीवानी, आवारा हूँ मैं बादल मौजों की हो रवानी, जब तक हंसी है मौसम है प्यार की कहानी, जान जा जाने मन तेरा नाम लूंगी, हल्लो हल्लो दिल थाम लूंगी, हल्लो हल्लो आंखें चार कर तू माइक्रोफिल्म किधर बिने बाबू, बिने बाबू हम अकबर उबीरू तुम क्यों बेगुनाह का और ये बात वो माइक्रोफिल्म साबित कर सका, जाओ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करो। जाओ एक मिनट, नाउ इट्स ओवर। एचपी साहब, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि गोली सीने पर न लगकर बाजू पर लगी है, वरना जान का खतरा हो सकता था। अब आप आराम कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। इंस्पेक्टर सर, इंस्पेक्टर इस शहर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो और हर गाड़ी की तलाशी लो। कमिश्नर साहब के हथियारे अभी तक इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं गए होंगे। कमिश्नर साहब को मार कर ये लोग इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। जाओ। मगर सर आपकी सिक्योरिटी। ओहो मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगा, तुम जाओ। ओके सर। और हाँ इंस्पेक्टर, मेरे बंगले पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दो ताकि वीरू और अकबर मेरी बेटी को किडनैप ना कर सके। ओके सर। किसी ने सच्ची कहा है कि जब चोर की मौत आती है तो वो पुलिस की तरफ भागता है। अरे नहीं। किसी ने चलाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा मैं। मगर एसपी साहब, हम तो यहाँ ये देखने आए थे कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, और अगर नहीं मरा तो मार दो हाँ, ताकि मेरी बेटी को फांस कर तुम दोनों मेरे ही बंगले पर ऐश कर सको। अरे बीरू, इस ससुरे पुलिस वाले का भेजा तो चोर से भी घटिया है। सर हम तो ये कहने आए थे कि हम दोनों बेगुनाह हैं। अच्छा, तो ये बात तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई है? ससुर जी सर आपने पहले कहने का मौका ही नहीं दिया। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर।
तुम लोगों ने मुझे भी क्या मेरी बेटी की तरह पागल समझ रखा है? तुहार बेटी पागल है का? यकीन कीजिए सर, हम बेकसूर हैं। हर मुजरम यही कहता है। हम सबूत भी लाए हैं सर। ये रही माइक्रोफिल्म। ससुरी छोटी सी डिबिया में देश के बड़े बड़े कद्दार के फुटवा है। हाँ? इसे विनय साहब कमिश्नर साहब को देना चाहते थे, अब असली मुजरिम आपके हाथ में है। अच्छा, शाबाश। हाँ? अभी पता चल जाएगा। प्रोजेक्टर का फौरन इंतजाम करो। यस सर। विनय को मेरे असली रूप का पता चल गया था और आज हम लोगों को भी पता चल गया। अरे बीरू, तू तो चोर था, तुहार ससुर तो महा चोर निकला रे, और वो भी वर्दी वाला। खबरदार, अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। आज तुम ये चाहते हो कि कश्मीर में होने वाले इलेक्शन को मैं रुकवा दूं? वहां इलेक्शन इस बात के लिए हो कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, और तुम ये भी चाहते हो कि विदेश जाकर अपनी सरकार की तरफ से एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो इस देश का बच्चा बच्चा मुझे गद्दार कहेगा, लोग मुझे जिंदा जला देंगे। वर्षों से चीफ मिनिस्टर बनकर जो इज्जत मैंने कमाई है उसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। जगराज, आराम सादे, जिस इज्जत की तू दुहाई दे रहा है उसके काबिल तुझे हमने बनाया। तुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमने बॉम्ब ब्लास्ट दंगे तक करवाए, पर आज तू हमें आंखें दिखा रहा है। जगराज, ये मत भूल कि तू एक मुजरिम है और मैं चीफ मिनिस्टर, और अगर मैं चाहूं तो तुझे इस फाइल को तो मैंने अपने हाथों से जला दिया था। हरामजादे, मेरे साथ धोखा। मुझे मालूम था, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो अपने पालने वाले को ही काटता है, इसलिए मैंने उसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था। चीफ मिनिस्टर साहब, टेररिस्टों से कैसे बात करनी है इस स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने के लिए होम मिनिस्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे मेरी फाइल चाहिए। फाइल तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन विदेश में हमारा एग्रीमेंट साइन करने के बाद। पकड़ लो उन हरामजादों को, पीछा करो। आज नहीं रुको, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और तुम्हारा प्लान भी फेल हो जाएगा। जगराज का प्लान कभी फेल नहीं होता। We'll be right back.
अकबर भाई मेरू तू तो छोड़कर नहीं जाएगी। अकबर आज अगर तू रुक गया ना तो ये दुनिया कहेगी कि एक हिंदू ने एक मुसलमान को देश बचाने का मौका नहीं दिया। भाई मेरू भाई अकबर भाई तुझे मेरी कसम। बता कमीने तेरा दोस्त कहाँ है और वो फाइट कहाँ है? बोल बोल वरना तुझे जान से मार डालेंगे। बॉक्सिंग कुश्ती कराटे बहुत ही भयानक खेल है, हाथ पैर टूट सकते हैं। क्यों ना हम क्रिकेट का खेल खेलें? गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। इस खेल के अंदर कोई खतरा भी नहीं, बड़ा आसान सा गेम है। हमारे आदमियों के साथ तुम अपनी बैटिंग तो कर चुके हो, अब जरा बा फील्डिंग भी कर लो। चलो क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ वो बचेंगी दादा? हम पूछे थे क्या हुआ? छत के नीचे प्यार का मंदिर और मस्जिद बनाने वाले, देख देख अपने भाई का अंजाम। अगर फाइल लेकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो इंसानियत की छत के नीचे नफरत के बारूद का वो धमाका करूंगा कि पूरा मुल्क कांप उठेगा। गुराज, सदियों पहले इमाम हुसैन ने ईमान की राह पर कुर्बानी दी थी और आज हमरे नन्ने हुसैन ने प्यार की राह पर अपनी जान दे दी। हमें कसम है इस हुसैन की, जब तक भाई भाई को जुदा करने वाले त्योहार जैसे देश के गद्दार को मिटा नहीं दूंगा, तब तक रोटी का हर निवाला हमें हराम है। बंद है इसको। खोलो इसे। इतना रुपया तो रिजर्व बैंक के पास भी नहीं होगा। वर्मा, तूने अपनी वर्दी बेचकर हमको खरीद लिया है। बा
जितना रुपया अपनी जेबों में भर सकता है भर ले। अच्छा। ये साले बेईमान सरकारी दर्जी कपड़ा भी खा जाते हैं, कितनी छोटी छोटी जेबें बनाते हैं। अरे साले तेरा बस चले ना तो तू अपनी बेटी के कपड़े उतरवा के उसकी भी जेबें बनवा ले। सामान बहुत चलती है तेरी, बोल ले जितना बोलना है, लेकिन पहले मैं इससे निपटू, बाद में तू उससे निपटूंगा मैं। महादेव इसमें से एक पूरा बैग तेरा है, उठा ले। पूरा बैग? लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही बस। वर्मा, इस बेचारे ने तो बापू की खादी बेच दी, क्या उसकी कीमत एक बैग भी नहीं? महादेव उठा ले। नहीं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, फाइल चाहिए फाइल। वैसे भी इन दिनों सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने हम नेताओं की नींदें हराम कर रखी हैं, इतने सारे पैसे रखूंगा कहां? वही जहां इस देश के बड़े बड़े स्मगलर्स किलर्स और तेरे जैसे नेताओं ने रखे। वो गोरे लोग काले धन को इतनी हिफाजत से रखते हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान का इतना पैसा उनके पास रखा है। अगर वो सारा रुपया हिंदुस्तान आ जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाए। लेकिन वर्मा और महादेव जैसे महान इंसानों के होते हुए वो दिन कभी नहीं आ सकता। जरूर आएगा कोका। बहुत लूट चुके हो तुम लोग इस देश को, जनता के गुस्से का ज्वालामुखी अब फटने ही वाला है, जिसके लावे में तुम जैसे गद्दारों का नामो निशान तक मिट जाएगा। सारा दल का चोर जगराज आज देशभक्तों की तरह बातें कर रहा है, अगर उस मुसलमान का भी दिमाग खराब हो गया और मेरी फाइल लेकर नहीं आया तो? आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि एक फाइल के लिए वो अपने दोस्त और महबूबा की जान तो नहीं गवा सकता। नहीं चक्राज, वो फाइल लेकर नहीं, वो तेरी मौत लेकर आएगा। उसने सारे रिश्तों को देश के नाम कुर्बान कर दिया है चक्राज, और जब एक मुसलमान के दिल में कुर्बानी का जज्बा जागता है ना चक्राज, तो उसका फौलादी सीना दुश्मनों के पैटर्न टैंक तक की धज्जियां उड़ा देता है। तू तो चीजती क्या है चक्राज? मैं वो चीज हूं जो इस देश के हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह नहीं रहने दूंगा। हम सदे हिंदुओं के मुसलमान की तारीफ करता है। सर है हिमालय जिसका हो, सर है हिमालय जिसका दिल गंगा की धारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है।
कतारों का नामो निशान मिटाएगा। जाओ उन कतारों को छोड़ो मत। Oh!
हम हैं भाई, जल्दी फिर जल्दी। और देश देश बच्चों, वेल डन। आज तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि धर्म और मजहब दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। और जब तक यह विश्वास कायम रहेगा, हमारे इस देश को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती, भाई को भाई से जुदा नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, बेटा, बेटा, तूने देश के गद्दारों को खत्म करके अपनी कसम पूरी कर ली। अब ले ये, ये, ये कुछ खाना खा ले बेटा। नहीं बजरंगी दादा, ईन पर हमारा हक नहीं, ई तो उनकी अमानत है जिनका हम खाना पहुंचाते हैं। तुम बरोबर सांगता, ये गैर कानूनी है। हवलदार साहब, आप ए जोधा भाई, तू एकदम खरा सांगते। ए चलत मुसाफिर जैसा मरद तो है च नहीं रे। ओए ओ काम कीता है कमाल का, इसको खाना खिलाओ हलाल का। अरे हवलदार साहब, हाँ जब दोनों एक साथ। ओए आहो पाई पाई, हमको भी समझ में आ गया है कि अगर पाई पाई अलग हो तो देश कमजोर होता है। क्यों पाई? हाँ भाई। पापा जी आ जाओ। अभी आश्ची उड़ी पापा। बाबू मुशाई नमस्कार, रसगुल्ला। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है।
तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, तुम्हारा।